नमस्कार सभी को। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो चैप्टर चल रहा है समाकलन डेफिनेट इंटीग्रल चल रहा है, उसमें हम 7.11 में हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे, आज मैं 6 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हम 7वां और 8वां प्रश्न लेके आ रहे हैं। ये जो प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर 6 नंबर में पूछे जाते हैं, तो सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि इन प्रश्नों को आप ढंग से सीखेंगे तो देखते हैं किस ढंग से प्रश्न किए जाएंगे। तो पहला है लिमिट 0 से 1 x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n dx। तो आप देखेंगे जब आप इसमें डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी आपको लगानी है, इतना पता है अगर आपको लिमिट दे रखी तो इसमें प्रॉपर्टी सही करना है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई थी आपको, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये आपको बताई गई थी जो प्रॉपर्टीज। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है, 8 प्रॉपर्टीज में आपने सब सीखी होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा बार यूज यही होती है। तो इसको अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो आपका इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। तो देखते हैं, इसमें देख लेते हैं, इसको आई मान लेते हैं, इसकी जो वैल्यू है, तो हम देखते हैं अगर इस प्रॉपर्टीज को मैं लगाता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा। 0 से 1 एक्स को, मगर ए यहां पर 1 है, 1 माइनस एक्स और 1 एक्स की जगह 1 माइनस एक्स की होल पावर एन डी एक्स। तो इससे फायदा क्या होगा, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स ये खाली एक्स की पावर एन डी एक्स। तो आप सोचेंगे कि ये प्रॉपर्टी लगा के हमको फायदा क्या हुआ, अगर हम 1 माइनस एक्स की पावर एन का अगर यहाँ करते तो आपको ये बाई पार्ट करना पड़ता या फिर कोई लंबा प्रोसेस लगाना पड़ता, इससे आपका क्या होगा ये दो अलग अलग पार्ट में टूट जाएगा और आपका इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। तो देखते हैं अगर इसको हम इससे इंटू कर दें एक्स की पावर एन, और ये हो जाएगा x की पावर n प्लस 1, तो अलग अलग dx लिख देता हूँ मैं, बहुत लंबा नहीं ले जाएंगे, ये एक साथ आ गया, तो उसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, तो हम x की पावर n dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 x की पावर n प्लस 1 dx। अब आप देखेंगे कुछ नहीं करना है आपको, केवल इंटीग्रेट करना है, दो तीन स्टेप में हो जाएगा। x के यहां तो n का इंटीग्रेशन फॉर्मूला ही है, तो उसका आ जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 0 से 1 माइनस, इसमें भी आप लगाएंगे x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और इसमें लिमिट 0 से 1। तो देखेंगे केवल हम ये 1 वाली n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 आएगा यहाँ पर, क्योंकि n प्लस 1 है तो ये n प्लस 2 आ जाएगा, एक ज्यादा आ जाएगा, तो देखेंगे कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा एक की पावर एन प्लस वन एक ही हुआ अपॉन एन प्लस वन, जीरो रखने में रखे जाऊं तो सीधे जीरो आ जाएगा, यहां पर भी अगर रखेंगे तो 1 की पावर एन प्लस टू 1 ही आएगा अपॉन एन प्लस टू। तो अब सिंपल सा है, इसका एलसीएम ले लेंगे और इसको इससे इंटू, इससे इसको इंटू करेंगे तो यह आ जाएगा एन प्लस टू माइनस एन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू आ जाएगा। तो देखिए अब सिंपल सा है, ये कट के केवल 1 आ जाएगा, एन एन कट जाएंगे तो उसका जो नेट आंसर आ जाएगा 1 अपॉन एन प्लस 1 और एन प्लस 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टेप होगा इसका यहाँ पर, जिसमें आप एग्जामों में आपको एग्जामिनर जो देखेगा कि इसने ये प्रॉपर्टी लगाई है या नहीं लगाई है, बिना प्रॉपर्टी के करेंगे तो भी आपका क्वेश्चन बहुत लंबा और गलत भी हो सकता है, तो इस प्रकार से आपने प्रश्न बहुत आसानी से हल कर लेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 8 लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें भी यही प्रॉपर्टी लगानी है, कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, यही प्रॉपर्टी आपका फिर से यूज होगा इसमें, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो देखते हैं इसमें अगर मैं इसको i मान लूं और इसमें प्रॉपर्टी लगाता हूं तो 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स डी एक्स। अब देखेंगे आप तो सॉल्व करते रहेंगे आई बराबर, अब देखेंगे 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस, अब टेन ए माइनस बी का सूत्र आपको पता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी होता है। तो आप देखेंगे 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो हम इस वैल्यू को रख लेते हैं, तो 0 से पाई बाई 4 लॉग
वन प्लस वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स डीएक्स, क्योंकि टेन पाई बाई फोर वन होता है, आपने वैल्यू रख दी। तो फिर सिंप्लीफाई करते रहेंगे हम इसको, जीरो से पाई बाई फोर लॉग, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस ढंग से आ जाएगा वन प्लस टेन एक्स, इससे वन से इंटू हो जाएगा, प्लस वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स डीएक्स। अब देखेंगे आप, जब हमने इसको ऐड किया तो ये कैंसिल हो गया और ये टू आ गया, तो ये आ गया। इसमें मैं लिखते रहेंगे आई का मान क्या क्या आ रहा है आपको, आप लिखते रहेंगे इसको, जीरो से पाई बाई फोर लॉग ये टू अपॉन वन प्लस टेन एक्स डीएक्स। अब आप जानते हैं लॉग ए अपॉन बी हो जाता है लॉग ए माइनस लॉग बी, तो यही प्रॉपर्टी यहां पर लगा सकते हैं हम, तो ये बन जाएगा आई बराबर जीरो से पाई बाई फोर लॉग टू माइनस जीरो से पाई बाई फोर लॉग ऑफ वन प्लस टेन एक्स डीएक्स। अब आप देखेंगे ध्यान से, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है इस प्रश्न का। देखेंगे जो आपका मूल प्रश्न था जीरो से पाई बाई फोर लॉग वन प्लस टेन एक्स डीएक्स, आपने इसको आई माना था, यही प्रश्न में दोबारा से लौट के आ गया। तो इसकी जब हम इसको आई सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां पर को, तो मैं इसको यहां पर बनाता हूं, तो आपका नेट प्रश्न बन जाएगा आई बराबर, इसमें मैं डीएक्स लिखना भूल गया, डीएक्स भी लिखेंगे आप, तो जीरो से पाई बाई फोर लॉग टू कॉन्स्टेंट है डीएक्स माइनस, इसको फिर से आई मानना, समझ में आया होगा आपके, क्योंकि मूल प्रश्न हमारा जीरो से पाई बाई फोर लॉग वन प्लस टेन एक्स डीएक्स आपने आई माना था, तो इसकी जगह हमने फिर से आई रख दिया, तो माइनस आई इधर आ गया, पक्षांतर करके टू आई, और लॉग टू कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, तो आपके पास इंटीग्रेशन करने के लिए केवल इतना चीज बचा, टू आई बराबर लॉग टू जीरो से पाई बाई फोर डीएक्स। अब आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स एक्स होता है, तो टू आई लॉग टू इंटीग्रेशन है एक्स, इसका लिमिट क्या है जीरो से पाई बाई फोर, तो टू आई बराबर लॉग टू पाई बाई फोर माइनस जीरो, पाई बाई फोर ही रहेगा। तो अब देखेंगे आई का मान निकालना है आपने, तो आई बराबर आ जाएगा पाई बाई फोर को मैं पहले लिख देता हूं, टू आई बराबर पाई बाई फोर पहले लिख देते हैं, लॉग टू अलग से लिख देते हैं फिर से, थोड़ा तो कंफ्यूजन ना हो। तो आई का मान जो आ जाएगा आपका, दो नीचे चले जाएगा इसके, तो पाई बाई एट आ जाएगा लॉग ऑफ टू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, और ये केवल तभी हो पाएंगे जब आपको प्रॉपर्टीज पता होगी, आपको ट्रिग्नोमेट्री आती होगी, आपको प्रॉपर्टीज आती होगी, आपको लॉग आते होंगे, तो इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके प्रश्न आसानी से आपको हल हो जाएंगे और एग्जाम में 6 नंबर आपको अवश्य दिलाएंगे। बाकी वीडियो, बाकी प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।